तस्वीर है झारखंड के बोकारो जिले की। झारखंड पुलिस का ये अमानवीय चेहरा देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल दो दिन पहले मोबाइल चोरी के आरोप में एक महिला को बोकारो जिला के चास थाना की पुलिस ने हिरासत में लिया था। हालांकि वो पुलिस की नजरों से बचकर थाने से फरार हो गई थी। इसके बाद खोजबीन में निकली चास थाना की पुलिस ने उसे बोकारो सेक्टर 4 थाना क्षेत्र के बाजार में घूमते पाया। इसके बाद उसे पकड़कर थाना में ले गई। इस दौरान महिला पुलिस कर्मियों से भिड़ गई। इसके बाद महिला पुलिस कर्मियों ने मोबाइल चोरी की आरोपी महिला को थाने ले जाने के लिए उसके हाथ पैर बांधे, फिर जानवरों की भांति उसे टांग कर थाने ले गई। एकाएक बीच बाजार में एक महिला को रस्सी में बांधकर अमानवीय तरीके से ले जाने का वीडियो किसी ने अपने कैमरे में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि इस वायरल वीडियो की हम पुष्टि नहीं करते, पर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही वीडियो को संज्ञान में लेते हुए बोकारो जिला के एसपी आलोक प्रियदर्शी ने तुरंत कार्रवाई की और चास महिला थाना के 3 पुलिस कर्मियों को निलंबित किया है, जिसमें 2 ASI और 1 सिपाही शामिल है। बोकारो से TV9 के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट।